हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड और पिछले एपिसोड में हमने एलेवेंथ स्टैंडर्ड कॉमर्स ओ सी एम का सेकेंड uh, चैप्टर का पार्ट वन कम्प्लीट किया है अब मैं पार्ट टू जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट वन में हमने होल सेलर होल सेल ट्रेडिंग तक देखा था कि इंटरनल ट्रेडिंग में दो आता है होल सेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड तो होल सेल ट्रेड तक हमारा हो गया है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटेल ट्रेड रिटेल ट्रेड क्या होता है रिटेल ट्रेड तब कहाँ जाता है जब हम कम क्वांटिटी में किसी को सामान बेचते हैं वैन द सेलर सेल स्मॉल क्वांटिटी टू डायरेक्ट कंज्यूमर इट इज नोन एज रिटेल ट्रेड जब कस्टमर को फाइनल कस्टमर को कम क्वांटिटी में सामान बेचा जाता है तब उस चीज को हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं ये फाइनल स्टेप होता है पिछले लास्ट uh, uh, जो हमने पार्ट वन कंप्लीट किया उसमें हमने देखा पहले मैन्युफैक्चरर होता है मैन्युफैक्चरर से सामान होलसेलर के पास आता है होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है फिर होलसेलर के पास से थोड़े क्वांटिटी में रिटेलर खरीदता है और रिटेलर फिर इसको फाइनल कस्टमर को सेल करता है जो कि एकदम लेस और स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो इसी को हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं तो अब हम कुछ फीचर्स देखने वाले हैं रिटेल ट्रेड के रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होल सेलर एंड कंज्यूमर होल सेलर के पास बहुत ज़्यादा बल्क में सामान रहता है तो कंज्यूमर उनके पास जाके नहीं खरीद सकता क्योंकि होलसेलर एक दो सामान नहीं बेचता थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बेचता है तो रिटेलर एक लिंक के जैसा काम करता है वो होलसेलर के पास से ज़्यादा सामान खरीदता है और कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सामान देता है ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट ये लोकल मार्केट में होते हैं मतलब हमारे घर के नियर बाय एकदम पास में हम घर से उतर के इनकी दुकान से जाके सामान खरीद सकते हैं रिटेलर्स डील इन वाइड वेराइटी ऑफ गुड इन स्मॉल क्वान्टिटी अब पिछले बार हमने देखा था कि होल सेलर के पास वेराइटी ज्यादा नहीं होती है लेकिन क्वान्टिटी ज्यादा होता है लेकिन रिटेलर के पास वैरायटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन क्वान्टिटी कम होती है मतलब वो सोप जो है साबुन जो है वो रखेगा स्मॉल क्वांटिटी में लेकिन उसके पास साबुन के अलग अलग ब्रांड्स होंगे वो सिर में लगाने वाला तेल भी रखेगा ऑयल लेकिन कम क्वांटिटी में बट वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग कंपनीज के आपको उसके पास शैम्पूज़ मिलेंगे अलग अलग कंपनी के आपको उसके पास कोई भी आइटम जो है वो अलग अलग कंपनी का मिलेगा वैराइटी मिलेगा लेकिन कम क्वांटिटी में मिलेगा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड रिटेल का अगर आपको बिजनेस करना है तो इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो बहुत ही कम रिक्वायर होता है लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कम्पेयर टू होल अब रिटेलर का रिस्क बहुत कम होता है और जिस चीज में कम रिस्क होता है उसका प्रॉफिट भी कम होता है तो कंपेयर टू होल सेलर रिटेलर को प्रॉफिट कम मिलता है लेकिन उसका रिस्क भी कम रहता है रिटेलर जो है वो दो तरीके का सर्विस देता है सर्विस टू होल सेलर एंड सर्विस टू कंज्यूमर तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सर्विस टू होल सबसे पहले वो कनेक्टिंग लिंक है किसको कनेक्ट करता है होलसेलर से कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए जिस लिंक का रिक्वायर होता है वो है रिटेलर हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट होलसेलर के होलसेलर के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो कौन काम करता है ये रिटेलर ये काम करता है होलसेलर के पास से सामान खरीद के कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करना अब आ, रिटेलर जो है वो मार्केटिंग का फंक्शन भी करता है कभी कभी कुछ कुछ होल सेलर्स मार्किटिंग फंक्शन नहीं कर पाते हैं एडवर्टाइज नहीं कर पाते या फिर उनके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं रहता तो ये सारा काम करने में रिटेलर उनकी मदद करता है नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिटेलर जो है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर्स के साथ तो कस्टमर उसे बताता है कि उसके डिमांड्स कैसे चेंज हो रहे हैं उसका क्या लाइक like है क्या डिसलाइक है ये सारा इन्फॉर्मेशन ये जाके होल को बताता है एंड होल के थ्रू मैन्युफैक्चरर के पास पहुँचता है तो इसीलिए एज अ सर्विस टू होल सेलर रिटेलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अट्रैक्ट कंज्यूमर रिटेलर अट्रैक्ट कंज्यूमर बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट अब रिटेलर uh, को जो प्रोडक्ट ज्यादा एडवर्टाइज करना है वही प्रोडक्ट वो अपनी शॉप में सबसे पहले डिस्प्ले करता है जिसके वजह से कंज्यूमर जब किसी चीज़ को ख़रीदने आता है फॉर एग्जाम्पल शैम्पू तो शैम्पू का एक सर्टन ब्रांड रिटेलर अपने दुकान के सामने डिस्प्ले में रखता है जिसके वजह से उस चीज़ का एडवर्टाइज हो जाता है और जो कोई भी होलसेलर इसको ईजीली सेल करना चाहता है जब रिटेलर अच्छा एडवर्टाइज करता है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है और होल का भी सेल्स बढ़ने लगता है नेक्स्ट इज क्रिएट डिमांड रिटेलर जो है वो सर्टन प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करता है कैसे क्रिएट करता है क्योंकि उसका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है कंज्यूमर के साथ तो वो कंज्यूमर को नए ब्रांड के बारे में बताता है या फिर ऑलरेडी जो ब्रांड का प्रोडक्ट है उसमें क्या अपडेट हुआ है उसका क्या यूज़ेज है ये सारी चीज़ें बताकर उस चीज़ का उस प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज करता है नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विस गिवन बाय रिटेलर इज़ टू कंज्यूमर अगला सर्विस जो है वो कंज्यूमर को क्या देता है वो रिटेलर कंज्यूमर को सर्विस देता है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स रिटेलर के पास हमेशा जब एक बार उसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो जैसे ही कस्टमर का डिमांड आता है कस्टमर को देने के लिए उसके पास वापस से स्टॉक आ जाता है लोकल कन्वीनियंस ये जो रिटेलर्स होते हैं ये हमारे घर के बहुत नज़दीक होते हैं रेसिडेंशियल एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं जिस इसके वजह से इन तक पहुंचना बहुत आसान होता है होम डिलीवरी कोई कोई रिटेलर आपके घर तक सामान पहुंचाने की भी सुविधा देते हैं जिसको होम डिलीवरी कहा जाता है वेराइटी ऑफ गुड रिटेलर के पास एक ही प्रोडक्ट अलग अलग वेराइटी में आपको मिलेगा तो आपके पास चॉइस होता है कि आप कौन से टाइप के गुड्स को परचेस करें क्रेडिट फैसिलिटी रिटेलर आपको क्रेडिट फैसिलिटी देता है क्रेडिट uh, फैसिलिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंज्यूमर है जो एक तारीख को सामान खरीदता है लेकिन एक तारीख को उसके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है तो वो थोड़े टाइम का uh, ये मांगता है कि मैं थोड़े टाइम के बाद पैसा दूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं पैसा दूंगा मंथ के एंड में तो पूरे महीने जो वो सामान परचेस कर रहा है वो क्रेडिट में परचेस कर रहा है और जिस दिन उसको पैसा देगा उस दिन उसका क्रेडिट सेटल हो जाएगा तो ऑन द स्पॉट कैश पे करने की जरूरत नहीं है रिटेलर कंज्यूमर uh, को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर सेल्स सर्विस स्पेशली जब रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता है तो वो आफ्टर सेल सर्विस देता है फ़ॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप परचेस किया मोबाइल परचेस किया टेलीविज़न म्यूजिक सिस्टम रेफ्रिजरेटर ये सारी चीज़ें आपने परचेस की और परचेस करने के बाद आपने पेमेंट भी कर दिया प्रोडक्ट आपके घर पे भी आ गया कुछ दिन के बाद वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर कैसे करना है किसको बुलाना है कितना खर्चा गिरेगा इसको हम आफ्टर सेल सर्विस बोलते तो ये सारा सर्विस कौन प्रोवाइड करता है रिटेलर प्रोवाइड करता है जैसे रिटेलर होलसेलर uh, को इन्फॉर्मेशन देता है सेम वे रिटेलर कंज्यूमर को भी इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके हिसाब से बेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर अपना चॉइस uh, बताता है कि मैं इस तरीके का ब्रांड यूज़ करता हूँ अपना बजट बताता है उसके हिसाब से रिटेलर उसको ऑप्शन देता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है एंड इसमें यह चीज़ है तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कंज्यूमर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास से मिलता है रिटेलर के पास से मिलता है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ रिटेलर तो रिटेलर को सबसे पहले बाँटा गया है दो टाइप में इटिनरेंट रिटेलर एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर इटिनरेंट रिटेलर का मतलब होता है इनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता मतलब इनके पास सामान बेचने का कोई फिक्स जगह नहीं होता ये इधर उधर बैठ के अपना सामान बेचते हैं और दूसरे होते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर फिक्स शॉप रिटेलर ये ऐसे रिटेलर होते हैं जिनके पास फिक्स्ड जगह होती है और हमेशा आपको उसी जगह पर ही सामान बेचते हुए दिखेंगे तो इटिनरेंट रिटेलर जो है वो आगे चल के और भी अलग अलग टाइप्स में बांटे गए हैं तो कौन से वो टाइप्स से एक एक करके हम देखेंगे सो तो इटिनरेंट रिटेल रिटेलर के जो टाइप्स है उसमें सबसे पहला टाइप आता है हॉकरस का हॉकर ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर है इनका कोई फिक्स जगह नहीं होता ये एक जगह से दूसरे जगह सामान को कैरी करते हैं कैरी करने के लिए उनके पास हैंडकाट होता है या फिर कोई एक ऐसा चीज़ होता है फॉर एग्जांपल ट्रॉली हो गया जिसके ऊपर ये लोग सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह बेचते रहते हैं इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड है मतलब एकदम कम पैसे में ये लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं ये ज़्यादातर आपको स्ट्रीट्स में मिलेंगे और जब ये सामान बेचते हैं जोर से चिल्लाकर सामान का नाम बोलते हैं उसका जो प्राइस है उसे भी चिल्लाकर बोलते हैं नॉर्मली ये सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट हाउस होल्ड आइटम्स ये सारी चीज़ें बेचते हैं उसके बाद आता है पेडलर्स पेडलर्स भी एक तरीके के इटिनरेंट रिटेलर होते हैं ये सेम हॉकर के जैसे होते हैं बट इनके पास कोई ट्रॉली नहीं होता ये सिर पे अपना सामान कैरी करते हैं कोई बास्केट कैरी करते हैं जिनके जिसके अंदर इनके सामान होते हैं डे टू डे यूज़ करने वाले जो सामान होते हैं वेजिटेबल फ्रूट फिश ये सब चीज़ें पेडलर्स सेल करते हैं उसके बाद आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स स्ट्रीट ट्रेडर्स उन्हें कहा जाता है जो फुटपाथ पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं ये नॉर्मली ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है बस स्टॉप के बाजू में रेलवे स्टेशन के पास स्कूल कॉलेज के बाहर इनका भी जो शॉप होता है इनका जो स्टॉल होता है वो टेम्पररी होता है और हमेशा फुटपाथ के नियर में होता है ये लोग कुछ चीप आइटम सेल करते हैं जैसे हैंड बैग रेडीमेड गारमेंट टॉयज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और इनके जो प्राइस होते हैं वो एकदम रीजनेबल होते हैं नेक्स्ट इज़ चीप जैक्स चीप जैक्स इनका जो शॉप होता है वो टेम्पररी पर्पज़ के लिए होता है थोड़े टाइम के लिए होता है हमेशा के लिए नहीं होता ये लोग अपना छोटा सा टेंट या शॉप लगाते हैं जहाँ पे ये थोड़े तीन चार महीने के लिए रहते हैं एंड जब उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कस्टमर का डिमांड नहीं आ रहा है दे चेंज देयर प्लेस वो अपना जगह चेंज करके कहीं और चले जाते हैं फिर वहाँ पर तीन चार महीना रहते हैं मतलब ये थोड़े टाइम के लिए फिक्स्ड रहता है इनका लेकिन हमेशा के लिए ये फिक्स्ड शॉप नहीं रखते हैं और इनके पास जो सामान मिलता है वो बहुत ही लो क्वालिटी वाला होता है और सस्ता होता है कटलरी क्रुकरी शॉक्स शैम्पूस ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं उसके बाद लास्ट में मार्केट ट्रेडर्स होते हैं मार्केट ट्रेडर्स इनको वीकली मार्केट भी कहा जाता है पूरे हफ्ते में एक फिक्स्ड डे रहता है फॉर एग्जाम्पल वेडनसडे फॉर एग्ज़ाम्पल संडे को तो स्पेशली संडे को ये लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं बहुत सारे ट्रेडर एक जगह पर आते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं फिर दूसरे हफ़्ते के बाकी दिन आपको नहीं दिखेंगे स्पेशली वो संडे को ही दिखेंगे या फिर कहीं पर मंडे को होता है कहीं पर ट्यूसडे को पूरे हफ्ते में एक दिन ये लोग आकर बैठते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनको मार्केट ट्रेडर कहा जाता है अब हम दूसरा देखने वाले हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर अब ये वो रिटेलर होते हैं जिनके पास फिक्स्ड जगह होती है और ये रोज आपको उसी जगह पे फिक्स दिखेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर जो है वो दो तरीके के होते हैं स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर और लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर का जो बिजनेस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है वो कम होता है और इनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स भी थोड़े कम होते हैं जनरल स्टोर मेडिकल स्टोर लॉन्ड्री ये कुछ एग्जांपल है तो अभी हम टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर देखने वाले हैं तो सबसे पहले आता है जनरल स्टोर ये नजदीकी कोई भी रेसिडेंशियल एरिया जो होता है बिल्डिंग्स जहाँ पे लोग रहते हैं उसी के आसपास ही अपना दुकान डालते हैं मतलब आप सिंपली आप बोल सकते हो जिसको हम दुकान बोलते हैं जिस दुकान में जाके हम गेहूँ चावल अलग अलग चीज़ें मेडिसिन खरीद ले तेल खरीद ले साबुन खरीद ले शैम्पू मिल जाए बिस्किट मिल जाए ब्रेड मिल जाए दूध मिल जाए तो इसको हम लोग जनरल स्टोर बोलते हैं जनरल स्टोर यानी कि यहाँ पे सारे जनरल आइटम्स रहते हैं और साले सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पे सामान थोड़ा महंगा भी मिलता है ये लोग होलसेलर से सामान खरीदते हैं या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से सामान खरीदते हैं और डेली बेसिस पे कंज्यूमर को देते हैं ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं मतलब आप इमीडिएट पेमेंट अगर नहीं करना चाहते इन फ्यूचर सामान खरीदने के बाद इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं प्लस ये आपका सामान घर तक भी पहुंचा देते हैं होम डिलीवरी का सर्विस भी देते हैं सेकेंड हैंड गुड शॉप अब ये वो दुकान होती है जिनके पास सेकेंड हैंड सामान मिलता है पुराना सामान मिलता है एक बार किसी ने सामान को यूज़ कर लिया है और फिर वो लोग इस दुकान को वो सामान भेज देते हैं दुकान वाले इस सामान को खरीद के रखते हैं फिर जब कोई ऐसा इंसान आता है जिसको उस सामान की ज़रूरत होती है अब देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका इनकम बहुत कम होता है और वो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं वही लोग इस दुकान में आते हैं और सस्ते में सामान ख़रीदते हैं क्योंकि वो सामान एक बार किसी ने यूज़ किया हुआ रहता है इसीलिए उसे सेकेंड हैंड गुड शॉप कहा जाता है यहाँ से अगर सामान खरीदेंगे तो आपको सस्ते में तो मिलेगा लेकिन उस सामान का कोई गारंटी नहीं होता है टीवी फर्नीचर क्लोथ्स भी मिल जाते हैं सेकेंड हैंड में ओके okay. नेक्स्ट है ऑथराइज्ड डीलर अब ये वो दुकान वाले होते हैं जो एक सर्टन कंपनी का ही प्रोडक्ट सेल करते हैं फॉर एग्जाम्पल ले लो सैमसंग एक ऐसा दुकान है जिस दुकान में आपको सैमसंग कंपनी का ही सारा प्रोडक्ट देखने मिलेगा सैमसंग टी वी सैमसंग मोबाइल जो भी प्रोडक्ट सैमसंग बनाता है सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी का प्रोडक्ट आपको इसके दुकान में मिल जाएगा तो किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट जब वो दुकान वाला बेचता है लेकिन अलग अलग बेचता है लेकिन उसी कंपनी का बेचता है तब हम उसको ऑथोराइज डीलर बोलते हैं वॉशिंग मशीन ऑटोमोबाइल म्यूजिक सिस्टम टीवी तो एक सर्टन कंपनी के ही ये चीज़ें जब बेचे जाते हैं तब हम उनको ऑथोराइज डीलर बोलते हैं इनके दुकान में अगर आप जाओगे तो उस कंपनी का आपको बहुत बड़ा प्लेकेट दिखेगा बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग बैनर दिखेगा सिर्फ उसी कंपनी का लोगो दिखेगा और उसी कंपनी के जो वीडियोस है वो टीवी पे पर चल रहे रहेंगे तो इनको ऑथोराइज डीलर कहा जाता है उसके बाद आता है स्पेशलिटी शॉप स्पेशलिटी शॉप में ऐसा होता है कि इनके दुकान में जो सामान रहता है ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेच रहे हैं साबुन सोप लेकिन सोप में ये अलग अलग वेराइटी के रखेंगे मतलब बहुत सारे वेराइटी के आपको सोप्स मिलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पेशलिटी शॉप बेच रहा है शैम्पू तो उसके दुकान में जाने के बाद आपको वेरायटी शैम्पूज मिलेंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टॉयज़ हो गए तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं प्रोडक्ट इनके पास एक ही होता है लेकिन उस प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो उनको कहा जाता है स्पेशलिटी शॉप नेक्स्ट इज लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर अब पहले हमने देखा स्मॉल स्केल मतलब ये बहुत छोटे लेवल में किया जाता है लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर वो होते जो बड़े बड़े लेवल पे अपना बिजनेस करते हैं तो इनका जो बिजनेस होता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है और ये अलग अलग वेरायटी के सामान बेचते हैं और इनके पास जो सामान का क्वालिटी होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है अब ये जो है वो पहले नहीं था जब अर्बनाइजेशन होने लगा मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ने लगा तब ये चीज़ सामने आई कि लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर मिलेंगे तो इसमें सबसे पहला टाइप जो हम देख रहे हैं वो है डिपार्टमेंटल स्टोर ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ईच सेक्शन डील इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड आप फर्स्ट फ्लोर में जाओगे तो आपको सिर्फ खाने का सामान मिलेगा सेकेंड फ्लोर में जाओगे तो आपको कपड़े पहनने वाले मिलेंगे थर्ड फ्लोर में जाओगे तो आपको इंटीरियर डेकोरेशन के सामान मिलेंगे तो ऐसा जो स्टोर होता है जहाँ पे अलग अलग सेक्शन में सिर्फ उसी टाइप के प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं फॉर एग्जांपल रिलायंस स्टोर डीमार्ट ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर के एग्जांपल है अब हम देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर तो डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर्स है सबसे पहला जो इसका फ़ीचर है वो ये है शॉपिंग कन्वीनियंस मतलब यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने आओगे तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाएगी आपको अलग अलग दुकान में घूमना अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है एक बार आप डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करते हैं तो अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको चॉइस भी होता है कि आपको महंगा वाला चाहिए कि सस्ता वाला चाहिए यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट रखे रहते हैं तो ये शॉपिंग कन्वीनियंट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट अब डिपार्टमेंटल स्टोर के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं जो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग स्टेट में होते हैं लेकिन ये सारे जो कंट्रोल में रहते हैं वो एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं मतलब इनका मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है वाइड वेराइटी ऑफ गुड डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके आपको अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कलर के प्रोडक्ट मिलेंगे इसीलिए यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स आपको मिल जाएगा स्पेशलाइजेशन हर सेक्शन को इतने अच्छे तरीके से रखा गया है कि अगर आप उस सेक्शन में चले जाओगे फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं और जो वहाँ के सेल्स पर्सन होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नॉलेज रहता है अगर आप उनको जाके अपना रिक्वायरमेंट बताओगे तो वो सेल्स पर्सन आपको परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोवाइड कर पाएंगे वहीं अगर दूसरी तरफ आप किचन वेयर सेक्शन में चले जाओगे तो आपको जैसा किचन वेयर चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा सेंट्रल लोकेशन अब जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ये पूरे सिटी के बीच में होते हैं ताकि हर कोई इस यहाँ तक आ सके ये ऐसा एक लोकेशन सिलेक्ट करते हैं जो पूरे सिटी के एकदम बीचों बीच मतलब हर कहीं से लोग इजीली यहाँ पे आ सकते हैं ह्यूज कैपिटल ह्यूज कैपिटल यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर का बिजनेस अगर करना है तो इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह खरीदनी पड़ती है बहुत बड़ा स्टोर बनाना पड़ता है कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो इसके लिए इसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एक और चीज़ यहाँ पर कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है आपने सामान खरीदा आपको ऑन दिन द स्पॉट कैश पेमेंट करना है या तो आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हो अब कार्ड पेमेंट में भी आपके पास ऑप्शन होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो ये दोनों ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी नहीं हो सकता बिना पैसे दिए आप सामान बाहर नहीं ले जा सकते नेक्स्ट इज सुपर मार्केट सुपर मार्केट सेम डिपार्टमेंटल स्टोर के जैसा ही होता है बस इसमें फर्क इतना होता है अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो वहां पे आपको हर सेक्शन में एक सेल्स पर्सन मिलेगा लेकिन सुपरमार्केट शॉप में सेक्शन तो होंगे लेकिन कोई सेल्स पर्सन वहाँ पे नहीं होगा आपके पास पूरा फ्रीडम है आप जो चाहिए वो उठा सकते हो आपको ट्रॉली दिया जाता है या फिर बॉक्स दिया जाता है या फिर आपके पास एक बैग होता है जिसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो उठा के अपने अंदर रख सकते हो अगर आपको वापस नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट तो आप वापस उस जगह पर उस प्रोडक्ट को रख सकते हो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं सुपर का दूँ तो वो है वो होगा डीमार्ट अगर आप डी जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई सेल्स पर्सन नहीं दिखेंगे सेक्शन बहुत सारे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे अलग अलग सेक्शन है खाने का आइटम आपको अलग जगह पे मिल जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स अलग है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अलग है लेकिन आप खुद घूम के सेल्फ सर्विस जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हो आप सुपरमार्केट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं लोकेशन ये एकदम सेंटर uh, में रहता है जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर सिटी के सेंटर में पाया जाता है सेम वे ये भी सिटी के सेंटर में रहता है और ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं मतलब वहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का ज़्यादा है ये उसी जगह पर अपना स्टोर बनाते हैं टाइप्स ऑफ गुड इनके पास आपको रोज़मर्रा की चीज़ें स्टेशनरी प्रोडक्ट ग्रॉसरीज बेकरी प्रोडक्ट जो टिन में सामान आता है टिन फूड जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा घेहूँ चावल अलग अलग तरह के आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सेल्फ सर्विस सबसे बड़ा फर्क ये होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन होते हैं जो आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं लेकिन सुपरमार्केट शॉप में आपको सेल्फ सर्विस रहता है आप खुद से प्रोडक्ट देख सकते हो इधर उधर घूम सकते हो प्राइजेस अपने हिसाब से प्रोडक्ट खरीद सकते हो रीज़नेबल प्राइज डिपार्टमेंटल स्टोर में Uh, चीज़ें जो है वो थोड़ी महंगी होती है लेकिन सुपरमार्केट शॉप में चीज़ें बहुत सस्ती होती है uh, एक लो इनकम ग्रुप वाला इंसान भी वहाँ पे शॉप कर, अच्छा कर सकता है और एक हायर जिसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है हायर इनकम ग्रुप वो भी जाके यहाँ पर शॉप कर सकता है कैपिटल अगर सुपर शॉप ओपन करना है तो इसके लिए भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है uh, बैंक से लोन लेना पड़ता है अगर मैं आपको कुछ uh, लिमिटेड कंपनीज की बात लिमिटेड कंपनीज के बारे में बताओ जो सुपर शॉप है तो वो रिलायंस फ्रेश टाटा ग्रुप ग्राहक पेट तो ये कुछ एग्जाम्पल है सुपर शॉप के दूसरी चीज़ है इसका इसका जो मेन ये है कैश सेल्स अब यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में क्रेडिट फैसिलिटी नहीं था सेम वे सुपरमार्केट शॉप में भी कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करना होता है लेकिन इनके पास बहुत सारे स्कीम्स होते हैं अगर आप इनका मेंबरशिप ले लो तो आपको प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिलेगा एंड एवरीथिंग अट्रैक्टिव पैकिंग अब सुपर शॉप में अगर आप कुछ चीज़ें खरीदने जाओगे तो उसकी पैकिंग इतनी अच्छी की रहेगी कि अगर आप भले ही उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते हो फिर भी प्रोडक्ट का पैकिंग देख के आप इतना इम्प्रेस हो जाओगे कि उस प्रोडक्ट को आप खरीद ही लोगे इम्पल्सिव बाइंग इम्पल्सिव बाइंग का मतलब होता है अपने दिमाग में सोच जब आप सुपरमार्केट आने वाले हो तो आप घर से सोच के आए हो कि मुझे यही सारे प्रोडक्ट खरीदने आपने लिस्ट बनाया है कि मुझे यही प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं लेकिन एक बार अगर आप सुपरमार्केट शॉप में अंदर घुस जाओ तो वहाँ का जो सेटिंग ऐसे किया रहता है वहाँ पे प्रोडक्ट को ऐसे प्लेस किया रहता है इतना अट्रैक्टिव पैकिंग होता है उसका एनवायरमेंट ऐसा होता है कि आप अनवॉन्टेड चीज़ें भी अपने साथ ख़रीद लेते हो जिसको इम्पलसिव बाइंग कहा जाता है कुछ ऐसे ऑफर्स दिख जाते हैं आपको तो ये था सुपर मार्केट अब हम देखने वाले हैं चेन स्टोर के बारे में सो वॉट इज चेन स्टोर चेन स्टोर के बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे आज यहीं तक करने वाले ये पार्ट टू था चेन स्टोर से कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट थ्री के वीडियो में तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जब भी नया पार्ट डालूँ नया पार्ट अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो को लाइक कर दो और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 11th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे मिलते हैं अगले एपिसोड में